खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने गया युवक नहर में बह गया। कई घंटों की तलाश के बाद उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दरअसल बिछिया थाना क्षेत्र के बढ़ौरा टोला निवासी आशीष पांडे बुधवार की दोपहर अपने दोस्त आकाश पटेल, नया बस स्टैंड व गजराज पांडे सुंदर नगर के साथ बिछिया थाने में सिलपरा नहर के किनारे पार्टी मनाने गया था। दोपहर में आशीष नहर में बह गया। इस दौरान उसके साथ मौजूद दोस्तों ने शोर मचाया, जिसे सुनकर वहां मौजूद गार्ड के आते ही दोनों युवक वहां से स्कूटी लेकर फरार हो गए। गार्ड ने उनके वाहन का नंबर देख लिया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची, लेकिन युवक का पता नहीं चला था। सुबह गोताखोरों की टीम बोट की मदद से सर्चिंग शुरू की गई। दिन भर चली सर्चिंग के बाद शाम को उसका शव बरामद हो गया। परिजनों ने दोनों साथी युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं परिजनों का क्या कहना है। सर, मैं चिरौला कॉलोनी वार्ड नंबर 43 का रहने वाला हूँ, रामसागर मंदिर के पास। मेरा बेटा 9:30 बजे कोचिंग ले निकला आकाश सेंटर रीवा कल सुबह। उसके बाद 2:45 तक कोचिंग थी इसकी। 3 बजे कोचिंग से निकला। उसके बाद एक यशराज पांडे और आकाश पटेल था उसके साथ गया, वो सिलपरा नहर पिकनिक के लिए। और वहाँ 4 बजे लास्ट टाइम बात हुई है घर से कि मैं आ रहा हूँ, कोचिंग से घर आ रहा हूँ। उसके बाद 4:30 बजे इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। और ये जो दोनों लड़के हैं, इनके ऊपर पूरा मुझे शक है कि ये लोग मार के फेंके हैं मेरे बेटे को, क्योंकि सर से लेके पांव तक छोटी चोट है। और डूबने से मृत्यु होती है तो पेट में पानी भरता है। इसके पेट में बिल्कुल पानी नहीं है, पेट बिल्कुल पिचका हुआ है और पूरे शरीर में चोट है। कैसे जानकारी मिली आपको कि वहाँ पे घर नहीं गए रात? ये जानकारी मुझे मिली घर के द्वारा। मैं तो बाहर था, शेड्यूल में नौकरी करता हूँ रिलायंस में, तो घर के द्वारा मुझे जानकारी मिली। और मेरे साले शिवेंद्र बड़ी त्रिपाठी के द्वारा ये आ गया था रात में ही, तो उनके द्वारा जब मुझे जानकारी मिली कि बच्चा आपका गुमशुदा है, ठीक है, तो मैं सुबह इधर 9:30 बजे आया। उसके बाद सूचना दी क्या रात में? 100 नंबर को फ़ोन लगाया था मैं, तो 100 नंबर को फिर वापस रिप्लाई आया कि एक लड़के की नहर में गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। ठीक, वहाँ हम लोग फिर साला तो रात में ही वहाँ चला गया था थाने में, मैं सुबह आया। रेस्क्यू करके बॉडी निकाली गई? हाँ, रेस्क्यू करके बॉडी निकाली गई। क्या देखें आप? 4 बजे के आसपास बॉडी में सर मेन सर पे चोट है, बहुत ज़्यादा चोट है, सर पे गहरी चोट है और शरीर के हर अंग में चोट है, सर से लेके पाँव तक। तो मुझे मामला संदिग्ध लग रहा है, ये मर्डर का केस है सर। कोई विवाद बच्चे का किसी से करवाना? सर, विवाद की कोई सूचना मुझे नहीं है। नहीं हो? नहीं सर, कोई नहीं है। बच्चा कभी नहीं वहाँ नहीं जाता, उसको ले जाया गया है। किस स्टैंडर्ड में? सर, ये 12th पास आउट कर लिया था, नीट प्रिपरेशन में था। हो गया आपका? Gracias.